गुजरात के चुनावी रण में अब महाराष्ट्र के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह भी उतर आए हैं। कृपा जी, किस मुद्दों को लेकर आप आए हैं, क्योंकि चुनावी रण में अब तो बात आफताब, सद्दाम और बाटला हाउस तक पहुंच चुकी है, आप कौन सा शब्द लेकर आए? मुझे लगता है कि हम यहाँ आते हैं तो इस मिट्टी को, जिस मिट्टी ने बापू को जन्म दिया, जिस मिट्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया, जिस मिट्टी ने नरेंद्र भाई मोदी को जन्म दिया, जिस मिट्टी को अमित भाई शाह ने जन्म दिया, उसका उपकार पूरे देश में है। हम ये कहने आए हैं, जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में बहुत सारे लोग आते हैं, आहुति डालते हैं, और किस आहुति से, किसकी आहुति से अग्नि प्रज्वलित होती पता नहीं चलता है। एक तरह से एक गुजरात का चुनाव एक यज्ञ की तरह है। तो हम जो लोग यहाँ पे आए हैं, मैं यही कहने आया हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी का सांसद, जिसको आप लोगों ने जन्म दिया, हम लोगों ने उसको सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी उसको प्रधानमंत्री बनाया, और आज देश ही नहीं विश्व गुरु के रूप में लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार इतना भारतीय जनता पार्टी को मतदान हो कि अगली बार कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करे दूसरी पार्टी। लेकिन इस बार हमारे बीरेंद्र सिंह जी, जो यहाँ हिंदी भाषी भाजपा के परिषद के अध्यक्ष हैं, इन लोगों से रोज बातें हो रही हैं, रोज अलग अलग लोग, जो उत्तर भारत के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, सब लोग यही कह रहे हैं भैया मोदी मोदी मोदी। नहीं, तो मोदी हर जगह सुनाई तो दे रहा है, लेकिन हर बार ऐसा होता था कि यहाँ पे दो तरफ का मुकाबला होता था, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आप पार्टी भी मैदान में, और वो तो ये दावा कर रही है कि सरकार उनकी बन रही है। मुकाबला आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी के साथ किसी का मुकाबला है ही नहीं है, वो दोनों अपनी गिनती गिने। आप पार्टी का अगर खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये थे कृपा शंकर सिंह, जिनका ये कहना है कि अगर आप पार्टी अपना खाता भी खोल लेती है तो ये भी उनके लिए बड़ी बात होगी। बहरहाल महाराष्ट्र के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, देखना ये होगा कि उनकी मेहनत यहाँ पर क्या रंग लाती है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24।